ठीक है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा जैसे मैंने आपको एक ग्राफ जस्ट एक्सप्लेन किया अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होगा इट इज अ करंट विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली ठीक है तो देखो आप ये यह यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ जीरो से जो जो इस ये एक कम्प्लीट साइकिल है इसकी जीरो से लेकर टी तक क्या है कंप्लीट साइकिल है तो इस कंप्लीट साइकिल में क्या हो रहा है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है हाफ साइकिल के बाद

पीरियोडिकली ठीक है बट अगर इसी केस में डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट करंट का कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम डायरेक्ट करंट को कुछ इस तरीके सेंट है ना फॉर द सेम साइकिल फॉर दिसन सेम सा टू फ्रॉम हियर जीरो टू टी ठीक है सो यू कैन सी डेट देर इज अर इज नो चेंज देर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड

ठीक है किसी इंस्टेंट के लिए अगर अपन लिखें कि सिर्फ पीरियोडिकली मतलब किसी एक सेम इंटरवल के बाद हाँ रिपीट होता है उसको पीरियोडिकली कहते हैं ठीक है थीके? तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए लिख रहे हैं कि इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ठीक है इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट यानी एसी करंट की बात कर रहे हैं कि एसी करंट की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर कैसे देते हैं इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट फॉर्मूला given by, given by, तो क्या होता है इसका आई इज इक्ल टू फॉर्मूला इज आई इज टू आई जीरो साइन ओमेगा टी ओके नाउ वी कैन राइट दिस ओमेगा इज आई जीरो साइन ओमेगा की वैल्यू कर देते अपन टू पाई एफ एंड टी सो दिस इज द इक्वेशन बाय विच वी कैन गिव द अल्टरनेटिंग करंट ठीक है वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास i इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी ठीक है और यू कैन राइट ओमेगा यहाँ पर जो ओमेगा है डेट ओमेगा इज ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ और जो ओमेगा होता है ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है ओमेगा क्या होगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ठीक है आई क्या होगा व्हाट इज द आई आई जीरोज अफ में शो ही रहा है आई जीरो इज अ पीक वैल्यू ठीक है आई जीरो इज अ पीक वैल्यू ऑफ आई जीरो इज अ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओके सो समझ में आए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है नाउ लेट्स राइट फॉर द डायरेक्ट करंट ठीक है डायरेक्ट करंट क्या होता है डी सी ठीक है सो दीज पॉइंट आर फॉर अल्टरनेटिंग करंट ना फॉर डायरेक्ट करंट सो डायरेक्ट करंट के लिए क्या लिखेंगे इट इज अ करंट विच डायरेक्ट करंट के लिए कह रहे हैं डायरेक्ट करंट इज अ करंट इज अ करंट विच इज अ करंट विच फ्लोज विद अ कॉन्स्टेंट विच फ्लोज विद फ्लोज विद अ कॉन्स्टेंट फ्लोज विद मैग्नीट्यूड ओके जैसा भी जस्टमेंट आपको बताइए फ्लोज विद मैग्निट्यूड ओके सेम फिक्स डायरेक्शन सो डी सी इज अ करंट विच फ्लोज विद मैग्निट्यूड एंड एंड इन एंड इन अ फिक्सड एंड इन अ फिक्सड डायरेक्शन ओके so this is ac and dc ac means alternating current and dc means direct current theek hai to ye graph aapko show ho hi raha hai i hope samajh mein aa gaya hoga aapko theek hai okay so next topic is average value of ac for one complete cycle theek hai so if i write that alternating current equation of alternating यानी alternating current अपन किसी इंस्टेंट के लिए देते हैं ठीक है सो द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट दिया देंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी अपने पास द अल्टरनेटिंग करंट दल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ओके एट एनी इंस्टेंट इज गिवेन बाय इज गिवेन बायटरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है आई इज इकल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी ठीक है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हम करते हैं कि इफ इफ करंट इज इफ करंट इज कांस्टेंट ठीक है इफ करंट इज कांस्टेंट फॉर फॉर स्मॉल टाइम फॉर स्मॉल टाइम डीटी ठीक है कोई स्मॉल टाइम ले लिया डीटी जिसके लिए हमने क्या ले लिया कि करंट क्या है कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है देखो आई इज इकल टू क्या DQ DT होता है I क्या DQ DT. तो डीक्यूज कितना आई डी टी आ जाएगा अरे बात समझ में हमने क्या करा है इफ करंट इज कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल टाइम डी टी देन आई इज टू हाउ मच डीक्यू बाई डी टी तो डीक्यू विल बीवल टू आई डी टी डी टू क्या जाएगा अपने पास आई डी टी आ जाएगा

ना इफ आई वांट टू अगर अब हम बात कर रहे हैं एक साइकिल के लिए कि पूरी कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो रहा है ठीक है हम ये कहेंगे भाई चार्ज चार्ज फ्लोस इन अ वन कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल एक पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो रहा है निकालना है तो ले लेते हैं कि भाई चार्ज कितना फ्लोर है क्यूँ हो रहा है और इसको इंट्रेट कहा कर देंगे जीरो से लेके टी तक और ये आ जाएगा आपके पास आई जीरो पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाएगी आपके पास है ना तो इसको हम ले लेते हैं अब देखो आई नॉट तो जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा साइन थीटा का करना देखो थीटा जो होता है थीटा का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा आ जाएगा इसी तरह से साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा ठीक है तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है साइन थीटा के माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा होगा ठीक है हाँ सर तो कर दो आप इंटीग्रेट तो साइन ओमेगा टी के लिए आप क्या लिखोगे माइनस ओमेगा टी हो जाएगा जीरो वन क्या था सर कौन सा ये अरे जीरो वन नहीं है डी मतलब, मतलब कैसी तो तो ओमेगा, ओमेगा लग रही है आपकी जीरो से लेके टी तक ठीक है तो यहाँ पर ये आई जीरो हो गया आई जीरो डिवाइड बाय ओमेगा कर दिया आपने ठीक है माइनस को भी बाहर ले लो माइनस आई जीरो हो गया ये कॉस हो गया ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं टू पाई बाय कैपिटल टी और ये स्मॉल टी आ जाएगा जीरो से टी तक आ जाएगा आया नहीं आया समझ में यहाँ पर जो ओमेगा को क्या ओमेगा जो है उसको पाई पाई कर सकता ना नहीं से क्यों किया इंटीग्रेशन करोगे ना तो इंटीग्रेशन में ये टी का मल्टीपल है ना ये ओमेगा तो उसका डिवाइड होगा ना जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है अच्छा है ना ठीक है हाँ ध्यान रखना तो ये आ गया आपके पास माइनस आई जीरोगा तो यहाँ आ गया है ना अब ये आ गया डिवाइड बाई कैपिटल टी अब पहले लिमिट रख दो अपर लिमिट तो ये कैपिटल टी आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा कॉस ये तो जीरो है तो सब कुछ जीरो तो आ जाएगा हो जाएगा ठीक है तो ये कॉस जीरो आ जाएगा इधर टू से टी से टी को मंटी कैंसिल आउट कर दो तो कैंसिल आउट कर दो माइनस आई जीरो बाय कितना जाएगा ओमेगा आ जाएगा अब कॉस टू पाई की वैल्यू रखो कॉस्टू पाई की वैल्यू कितनी होती है वो कितना आ गया आपके पास जीरो आ गया अब चार्ज फ्लो अगर जीरो है ठीक है तो एवरेज करंट की तो माइनस वन होगी ना पाई की वैल्यू माइनस वन होती है तो फिर वन होगी प्लस वन ठीक है तो अगर हम एवरेज करंट हमारा जो टॉपिक था टॉपिक क्या है एवरेज वैल्यूटिंग आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है ना तो क्यू तो ये निकाल लिया आपने कितना चार्ज फ्लो हो रहा है में वो क्यू आ गया और वन साइकिल में टाइम कितना लग रहा है कैपिटल टी तो नीचे कितना कैपिटल टी आ जाएगा और ये क्या जाएगा जीरो ठीक है सो द कितनी होती है है की value? एक complete zero cycle में ठीक एवरेज विल बी इक्वल टू जीरो आया समझ में ठीक है ठीक है सो टॉपिक क्या अपना एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इट इज इट इज उसमें एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला था अपने देखो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं नहीं अब ये तो जीरो ही, आ गया ना, जीरो, ही आ गया उसका तो, जीरो आ रहा है आपका तो, तो इसको लेकर सोल्यूशन तो हाँ, हाँ. करोगे आप है ना तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज का... और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो ये क्या है सेम ही है ना सर एक मिनट देखो तो सेम ही पर हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं ना अपन इसमें हाँ तो देखो ना आप उसमें वो ऐड किया हुआ ना उसमें वन कंप्लीट साइकिल लिखा हुआ है ठीक है ना तो यहाँ क्या कह रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट इट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स सेम सेम चार्ज इन सेम टाइम एज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल तो जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास करें उस पर आप ध्यान देना ठीक है तो हमें क्या करना है अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल

तो अगर करंट जो है वो कांस्टेंट है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी तो हम क्या लिख सकते हैं क्या करेंगे अपन तो डी क्यूजिकल टू आपके पास क्या आई डी टी आ जाएगा ठीक है अब हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है तो उसको क्यू कर देते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ये आई डी टी आ जाएगा और हाफ साइकिल के लिए जीरो से लेके कितना जाएगा t 2 आ जाएगा तो क्यू इज वॉट क्यू इज अ चार्ज फ्लो इन

लिमिट जीरो से लेके कहा तक करनी टी बाई टी टू तक और ये ओमेगा अच्छा ओमेगा अंदर लिखा हुआ है अभी तो ठीक है अभी इसको बाहर ले लो तो माइनस आई जीरो आपका बन जाएगा अंदर क्या बनेगा कॉस ओमेगा को क्या करोगे आप टू पाई बाई कैपिटल टी इन टू टी बाई टू कर दोगे एंड माइनस ये हो जाएगा कॉस जीरो तो टी से तो टी गया है टू से टू कैंसिल हो जाएगा माइनस आई जीरो बाय ओमेगा Cos pi क्या होता है? होता है है और ये तो माइनस वन आ जाएगा तो माइनस प्लस तो आपका तो आपके पास आ जाएगा टू आई जीरो बाय ओमेगा तो ये तो क्या है चार्ज फ्लो हुआ हाफ साइकिल में तो अगर करंट आपको निकालना है एवरेज करंट हाफ साइकिल में तो क्या करोगे क्यू और डिवाइड बाय टाइम कितना लोगे बोलो अब

ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं ना ओमेगा की वैल्यू कितनी रखोगे टू पाई बाई टी हाँ टू पाई बाई टी तो ओमेगा की वैल्यू अपन टू पाई बाई टी रख देते हैं ये टी यहाँ पर है टी से टी कैंसिल टू से टू टू जो फोर कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो i एवरेज जो आपके पास आ जाएगा यहाँ से अगर अपन i एवरेज लिखे हाफ साइकिल के लिए तो i एवरेज जो होगा डेट i एवरेज विल बी इक्वल टू हाउ मच टू आई टू बाई पाई आई जीरो ठीक है तो आएगा, टू बाई पाई आई जीरो और टू बाई पाई की वैल्यू आप लिखना चाहते होगी जीरो पॉइंट सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर द हाफ साइकिल और वैल्यू आंसर कितना आएगा आपका आई आए एवरेज इजिकल तो टू टू बाई पाई आई आई नॉट या जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन आई नॉट ओके समझ में आया

ठीक ठीक है, है है, है, है ये ये क्या अल्टरनेटिंग करंट करंट की इक्वेशन इंस्टेंट, अब ये जो फ्लो होता है, तो स्मॉल टाइम डी टी एक स्मॉल टाइम ले लिया अपने डी टी फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी हीट प्रोड्यूस्ड ठीक है हीट प्रोड्यूस्ड फॉर्मूला register. Register हो तो तो हो आपको आता H equal to होता है कि नहीं होता हीट जो प्रोड्यूस होती ही है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है आई स्क्र आर टी तो यहाँ हम लिख देंगे आई स्क्वाजिस्टर का रजिस्ट्रेंस कर देते हैं आर और टाइम कितना है भाई आपको यार डी टी है समझ में आ रही है बात

साइकिल देखनी अपन को इसे वन कंप्लीट साइकिल लेते तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास जीरो से लेकर टी तक आ जाएगी ठीक है तो अब यहाँ पर एच इजल टू हम लिखे और आई मतलब ये वैल्यू आपके पास जो है आई की वैल्यू रख दो आई की वैल्यू कितनी है तो ये हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर मेगा टी ठीक है और ये आर आ जाएगा और डी टी आ जाएगा ठीक है अब इसमें हम कुछ बाहर निकाल लेते हैं इसमें से कॉमन निकाल लो तो कॉमन क्या बाहर आ जाएगा देखो ये जो वैल्यू आई है आपके पास आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और आर डी टी आ गया अब देखो इसमें आई जीरो का स्क्वायर बाहर लेते हैं अपन ठीक है आर को बाहर ले लेते हैं अंदर आपके पास बचेगा जीरो टू टी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी ठीक है ये एच आ गया आपके पास है ना आप देखो इसमें कुछ आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं देखो आप की फॉर्मूला आपको आते होंगे का।, का जो फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा साइंटी टेन टू थीटा ना ना कोस थीटा का एक होता, sin है, sin स्कौर थीटा। स्कौर थीटा वन होता है और एक होता है वन माइनस टू थीटा ठीक है ये दो फॉर्मूले होते हैं थीटा तो तो जो है यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में इस साइन स्क्वायर उमेगा टी को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर उमेगा टी को क्या लिख सकते है? देखो यहाँ इस इक्वेशन से देखो है ना अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालू

अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखता हूँ तो यहाँ पर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा मतलब cos और क्या आएगा पे टी आएगा पे ओमेगा आई बात समझ में आ जाएगा आया नहीं आया यस सर ठीक है अभी हम क्या करेंगे ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं वन माइनस कोस टू ओमेगा टू बाय टी को ठीक है सर अगर अपन डायरेक्ट करते तो कुछ नहीं होगा नहीं इंटीग्रेशन की स्टेप्स है इसी तरह से आपको करना पड़ेगा ये साइन स्क्वायर अच्छा. ओमेगा टी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा इसमें तो... यही निकाल रहे ना कि डायरेक्ट करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेगा जितने में अल्टरनेटिंग करंट करेगा हाँ बिल्कुल हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें फाइंड आउट करना है है रूट मीन स्क्वायर ठीक वो फाइंड आउट करें तो पहले अपन इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है फिर आगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रखनी है आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी को ये जीरो टू जीरो से टी तक हो गया और ये आपके पास आया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी ठीक है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय डिवाइड बाय टू ठीक है ये डिवाइड बाय टू कर दिया आपने है ना और तो कुछ नहीं है देख लो आप ठीक है और इधर आ जाएगा डी टी तो ये डी टी हो गया ठीक है अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो आई आई नॉट स्क्वायर आर और ये डिवाइड बाय टू हो जाएगा ठीक है इंटीग्रेशन करोगे आप तो जीरो से लेके टी तक वन डी एक तो ये हो गया देन माइनस देन इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके टी तक और ये हो जाएगा आपके पास कॉस टू ओमेगा टी एंड डी ठीक है आगे सॉल्व कर लो देन आई जीरो आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाय टू

आ आ गया गया पे ये टी बचेगा टी कर टी बचेगा करोगे से बाहर रखो देखो तो कितना होता होता है pi by capital t होता है into small t की जगह कैपिटल टी रखोगे कैपिटल टी रख दो और ये माइनस ये हो जाएगा साइन जीरो तो अभी इसको आगे आप सॉल्व करोगे सो इट इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर डिवाइड बाय टू और यहां से देखो ये तो टी बचेगा माइनस अब ये कैंसिल करो देखो ये टी से टी कैंसिल कर दो तो फोर पाई भी जीरो पीछे की टर्म क्या जाएगी? पुरी -पुरी हो जाएगी पूरी पूरी जीरो से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइड बाय टू एंड इन टू आ जाएगा टी ठीक है ये आ गया एच आपके पास है ना इसको हम एक नंबर इक्वेशन कर देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर

वो हीट अपन ने निकाल ली यार ये H इजिकल टू आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई टू इंटू टी यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है बात समझ में आई यहाँ तक अब हम ये कहेंगे इफ अब हम ये कहते हैं कि इफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम T है ना हम ये कहें कि भाई हीट प्रोड्यूस इसको कर लेते हैं अपन ठीक है हीट प्रोड्यूस

इफ इफेक्टिव करंट इफ इफेक्टिव जो कि अपनी डेरिवेशन है अपनी डेरिवेशन क्या करें अपन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईसी वही करंट की बात करें ठीक है सो इफ इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ठीक है, वो है is, effective, effective ले लिया अपने आई इफेक्टिव ले लिया तो हम क्या लिख सकते हैं एच इज इक्ल टू आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी मतलब आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर रेजिस्टेंस हो गया और टी आ जाएगा यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगी देखो ये इक्वेशन कौन से आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई समझ आ रही है बात तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन और क्या होनी चाहिए हमने देखो आप ये देखो कि इफेक्टिव करंट बोला क्या हुआ ये अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर एज इट प्रोड्यूस गिवन टाइम यानी

टी टाइम में आर रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही हो, हो है तो हम करते हैं कि भाई फ्रों एक्वेशन, फ्रों एक्वेशन वन एंड टू।, एं टू।, तो एं टू से ले लो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इफेक्टिव ठीक है आर टी इज टू ये देखो आप ये कितने आपका आई जीरो स्क्वायर आर डि

जाएगा तो सॉल्यूशन कर ही रखा है हाँ जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई नॉट ठीक है तो ये जो है आपके पास आई इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगी डेट आई इफेक्टिव इक्वल टू पीक जो वैल्यू होती है ठीक है पीक के कितनी होती है ये जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स होती है ठीक है अच्छा इसी को आर एम एस वैल्यू भी कहते हैं अब इसको आर एम एस वैल्यू क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है इसी को क्या बोलते हैं अपन देखो ना आप इसी को हमने क्या बोला आर एम एस वैल्यू या पीक वैल्यू आर एम एस वैल्यू या पीक वैल्यू क्यों कहेंगे देखो आप <coughs> ये सेकेंड इक्वेशन है आपके पास तो सेकेंड इक्वेशन और जब हमने इसका सॉल्यूशन नहीं किया था ये तो आपने पूरा सॉल्यूशन कर दिया दे। ये देखो आपका यहाँ पर क्या इक्वेशन है यहाँ पर क्या एच इजिकल टू जीरो टू टी ठीक है आई स्क्वा मन रही है अपने पास इक्वेशन आई स्क्वायर आर डी टी है ना इसकी वैल्यू रखते हैं देखो अपन यहाँ देखना आप सो so, देखो ये इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या एच इजीरो आई स्क्वायर आर डी टी है अपने पास ठीक है और एच की वैल्यू ये भी है आई इफेक्टिव तो इक्वेट करो इनको आई स्क्वायर इफेक्टिव आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी ठीक है इक्वल टू क्या कर देंगे अपन जीरो टू टी ये जीरो टू टी कर दिया इक्वेशन देखो यदि जीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी ठीक है

ठीक है ये स्क्वायर रूट कर दो ये वन बाय टी हो जाएगा देन इंटीग्रेशन जीरो टू टी एंड आई स्क्वायर डी टी ठीक है तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये वाली यहां पर ठीक है ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये क्या है रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए सी ठीक है अल्टरनेटिंग करंट के क्या root, root, हो रहा है रूट रूट समझते है मीन एंड स्क्वायर ये देखो यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक है तो ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी ओवर है sir. ना एक लाइन और जोड़ जो लेता हूं मैं ओवर वन कंप्लीट साइकिल ओवर वन कंप्लीट साइकिल ठीक है तो इसलिए जो आई इफेक्टिव होता है उस आई इफेक्टिव को अपन क्या बोलते हैं

तो क्या देंगे भैया दे देते अपन इज इकल टू इजीरो साइन ओमेगा टी ठीक है इज इजल टू जीरो साइन ओमेगा टी हो गया नाव हीट प्रोड्यूस्ड अब इसकी देखो इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस्ड हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर ठीक है हीट प्रोड्यूस इन अजिस्टर फॉर स्मॉल टाइम फॉर स्मॉल टाइम डी टी ठीक है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हम यहाँ साइड में, में बताएते हैं जो कि आपको पता ही है

Voltage, voltage होते है, formula होता है है तो है ये ये तो तो जब हो, हो ठीक ठीक के लिए है अपन, तो क्या हो जाएगा ये DH लिख दोगे आप इसको, थीके? और वी की जगह आपको लिख देना है यहाँ पर स्मॉल e, e का कर देना है स्क्वायर डिवाइड बाय रजिस्टेंस आ जाएगा आर और टाइम कितना है आपके पास डी है ठीक है तो डी एच इज टू अ एच निकाल लेते हैं एक स्टेप तो शॉर्ट कर दे इतनी सारी स्टेप आ रही है ठीक है तो अगर हम एक साइकिल के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो निकालना है तो वन साइकिल के लिए हीट प्रोड्यूस कर करते हैं जीरो से टी आ जाएगा यहाँ पर जीरो टू टी कर दो इसको ई e स्क्वायर कर दो इसको आर कर दो यहाँ पर कर दो डी ठीक है ना जीरो टू टी ई e की वैल्यू रख दो ई e जीरो का स्क्वायर देन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ई मेगा टी ठीक है डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास आर और यहाँ आ जाएगा डी अरे ये बात समझ में ठीक है ये हो गया जीरो तो 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 आ, आ, हमने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस टू थीटा जो होता है टू कॉस वन माइनस टू साइन स्क्वा टू साइन स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकाला जाएगा

अब इंटीग्रेट करो तो वन डी टी वन डी टी का टी हो जाएगा तो यहाँ पर तो टी आ जाएगा ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस टी है साइन थीटा का थीटा थीटा था ओमेगा तो ठीक है और डिवाइड बाय कितना जाएगा टू ओमेगा आ जाएगा और इसकी लिमिट आपको लगानी है कहा से कहां जीरो से लेके से तक इसकी लिमिट लगेगी ठीक है तो अभी हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर हो जाएगा ये टी आ जाएगा माइनस बाहर कर देना अंदर करोगे तो टी रखोगे ठीक है तो साइन टू ओमेगा की वैल्यू रखोगे टू कैपिटल टी ठीक है फिर ये रख दोगे टी माइनस यहाँ पर तो आ जाएगा साइन जीरो टी कैंसिल ये टू थोड़ी ना कैंसिल होगा ठीक है तो ये आ गया आपके पास ये तो टू है भाई टू ही रहेगा

तो ये तो हीट प्रोड्यूस करिए किसने अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने किसने प्रोड्यूस करिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ स्टडी वोल्टेज तो स्टडी वोल्टेज जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो जो वो क्या वो अमाउंट ऑफ स्टडी वोल्टेज उसी को ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई उसी को क्या कह रहे हैं ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई ठीक है EMF, तो हम यहाँ एक सेंटेंस एक में कर देता हूँ एक मिनट इफ इम एस ठीक है अगर हम ये कहेंगे ठीक है इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिव इम एफ ठीक है ठीक है इन रजिस्टर आर इन टाइम टी रजिस्टर आर इन टाइम टी टी टाइम में तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एच इज इकल टू पीछे आपने निकाला ही था गिट का फॉर्मूला ये लगा दो आप ये ई इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइड बाय आर इनटू टी है हाँ तो ये हो जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ रहा है भाई देखो कितना आ रहा है आर बाय टी हाँ नहीं आर और इंटू क्या करोगे कैपिटल आर इंटू टी हाँ कैपिटल टी ठीक है

रूट टू हो जाएगा या जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ई नोट हो जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ ठीक है थर्ड इक्वेशन आया समझ में ठीक है हाँ सर